पूरे जग में वसे हुए पंजाबी प्यारियो इसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो थोड़े ना एक नवी वीडियो लैके थोड़ी खिदमत हाजिर सलाम आखता है सलाम कबूल करो। जिस तरह तुहानू पता है कि असी जट कबीलियां दे बारे च भी नाल नाल गल कर रहे हैं तो अज असी गल करांगे कि जिहड़े जट कबीले दे बारे च वख वख वेलियां च वख वख लोकां नू जिहड़े भुलेखे पए ते जां पाए गए ते जिहड़ा उहनां दे बारे च कुझ नतारे कीते गए उहनां दे बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे। इस बारे जिन्हां दी अंगद शर्मा ते लहरी सिंह दा ख्याल है भई जदों परशुराम ने क्षत्रियां नू मुका दिता तां जट क्षत्रियां मावां ते ब्राह्मण पिउआं विचों जम्मे सन। ये नज़रिया बिल्कुल बकवास ते फजूल है जिहड़ा समझों बाहर है। जठर सदान वाले ब्राह्मण अज भी दक्षणी हिंद सिंध विच मौजूद ने अते जटां नाल उहनां दी उक्की सीर सांझ या किसी पास्यों कोई तलक वास्ता नहीं। ये नज़रिया भी जटा नूं ये ना यादव हुक्मरान सजाट पारों मिलिया सी ये भी सगवां कूड़े झूठ है। इहदे नाल ब्राह्मणा दे उस जतन उत्ते चानना पैंदा है जिहड़ा उन्हां जटा नूं दक्षणी एशिया दे रवायती वसिंदियां विचों दसना चाहते सन ब्राह्मण जिहड़े ने क्यों जो उन्होंने प्राणा के नसबनाम्या विच सजाट का ना धक्को धक्की वार दिता तां जो तां उन्हां नूं जटा की असलीयत बारे ये नज़रिया फायदेमंद दिसदा सी। इहदे नाल रलदा मिलदा एक नज़रिया होर है भई जट बादशाह याट के कारण इस ना तो मशहूर होए ने यह भी इंज ही ऊट पटांग जिहड़ा नज़रिया लगता है। दक्षणी एशिया की यादव माला तारीख विच याट नाँ का कोई बादशाह होया ही नहीं पर शहनशाह ययाती उहदा भरा याती जरूर होए ने। इंजी एन एन वासु ते वी एन वासु भी इंजी हनेरे अंदर टपले खांदे होए जटां दे बारे च गल्लां करदे नज़र आउंदे ने। जदों वो ये विचार सांझे करते हैं कि जट राजपूतां दे गुजरां दे मिलाप नाल वजूद चाहे तवारीखी पक्षों ते उंज भी हर पक्षों ये नज़रिया बिल्कुल ऊट पटांग ते फजूल लगता है। गुजरां दा जिक्र पहली बारी तवारीख विच 6वीं सदी ईस्वी दे अंत विच थानीसर दे प्रभाकर वर्धन दे हालात विच मिलता है अते राजपूतां दा जिक्र भी इस वेले तो पहला पूरी दुनिया किसे तज़किरे दे अंदर नहीं मिलता। डॉक्टर पी सरन दे आखण मुताबक राजपूत दा लफज़ अपने नस्ली माणियां विच 10वीं सदी ईस्वी तो पहला किते भी नहीं वरत्या गया पर जटां दा जिक्र इस तो चोखा चिर पहलों ही मिलता है। पी साइकस गत्ती कहाण वाले लोगों का जिक्र करता है जिन्हां 2600 BC विच समेरा ते असीरिया वगैरह उत्ते कब्ज़ा कर लिया सी अते चीनी तारीख दाना दे दी कबीलियां बारे कढ़े हुए खुरे 2600 कबल मसीह तीकर पिछे चले जाते हैं। जिस तरह अगे साबित किया जाएगा कि चीन दे दी यूनान दे दहाए अते इस वेले दे दाइया जट एक ही ने ठीक नज़रिया इहो ही है भई दक्षणी एशिया दे जट ओ ही लोग ने जो ईरानी तारीख विच गत्ती अते चीनिया दे यूची जिहदा चीनी तलफज़ गत्ती बनता दे तौर ते सामने आउंदे ने अते इन्हां दा असल वतन चीन दियां हद्दां तो लै के बहरे असवद तक विचकारला एशिया ते इहदे सारे इलाके सन। हेरोडोटस अते दूजे यूनानी तारीख दाना इन्हां नूं गीटे या मसा गीटे आख्या विचकारले एशिया की यह जू आरियाई कौमां का असल वतन मन्या जांदा है अते इहो कारण ने कि हिंद सिंध या जिन्हों असी बरे सगीर आने दी सारियां रवायतां इन्हां नाल जुड़ियां हुई ने। वेदी अदब तो लै के सारियां लिखतां विच पहाड़ या पर्बत पासे नूं मतलब देवां या देवतियां दी रहन थां मन्या जांदा है और मन्या जांदा रहा है।
मनसिया प्राण ने तो इतों तीकर आख दिता है भी इलावर्त की लम्मी चौड़ी जू तिना जहाना विच जाने पछाने देवत्यां दी जम्मन थां है। एतर जां ब्राह्मण विच इनू हमा दंता जां हमालिया पहाड़ दे दूजे पासे उत्तर कोरुआ दा देश आख्या गया है, जिथे बादशाहां नू देवत्यां वांगू राज तिलक लाया जांदा है। हिंद सिंध दियां देवमाला कहानियां विच पर्वत दे इलाकियां दी सांझ बड़ी जानी पछाणी है, ते इसलिए होर हवाले लभण दी कोई लोड़ नहीं। पुराण अते महाभारत विच जीजू दी वादी विच वसदे रसदे अनगिनत कबीलियां दा जिक्र मिलदा है। जट जदों दक्षणी एशिया विच आए तां उन्हां कबायली ढंग नाल अपनियां रियासतां बना लईआं, जिन्हां नूं हिंदी अदब विच जनापद आख्या गया है। पंजवीं सदी ईस्वी दा जग जाणिया ग्रामरदान पाणिनी पंजाब अते सूबा सरहद विच वसे होए चोखे जट कबीलियां दा जिक्र करदा है। घट्टो घट सारे कबीलियां दे नावां मांगर लफज़ जट दा मतलब बादशाह या सुप्रीम लीडर बनदा है। हमाचंदर अपनी किताब अन्ना द्योरती विच लिखदा है भी जट दे माने बादशाह दे ने, जिस तरह द्यो समहता विच लिखिया होया मिलदा भई विचकारले एशिया दे लम्मे चौड़े मैदानां दे पहले हाकम जट ही सन। अनादि सूत्र दे एक वेरवे विच लिखिया होया है भी जट दा मतलब है रोम यानी बाल। सतवीं सदी ईस्वी विच लिखी गई किताब दुर्गा समा विच लिखिया होया मिलदा है भई जड़िया दीर गरोमा, जिदा मतलब है कि जटा दे वाल लम्मे होंदे ने, जां जट दा मतलब लम्मे वाल ने। ये माने इसलिए कढ़े गए ने भी जटा विच लम्मे वाल ते दाड़ियां रखण दा रवाज सी, इसे कारण लफज़ जट शिव देवता दे जटा यानी लम्मिया वालां वाला जाणिया जाण लग पिया। इस बारे विच यासका दा लफज़ जाटिया जाट नारा ज़्यादा समझ विच आउण वाला है, अते इस नाले ज़ाहर हुंदा है भी जटा यानी लम्मे वालां वाल जटा दी खास निशानी सी। ये गल साहजोग है भी अज भी वालों के लम्मे गुझे गुच्छे नूं गुत अते जत आखदे ने, अते गुत अते जत दे ये दो लफज ही इन्हां जटां लई वरते गए ने। इसलिए महाभारत की लिखत सकाश तगारा कणगा सच्चा रोमाशा सुरंग नुतारा लम्मी हांड करन वाले जटां नूं पामीर दे उच्चियां पहाड़ां ते वखांदी है। इसे मंत्र विच दूजे नां जिहड़े ने ओह ठक्कर ते कांग कबीलियां दे आउंदे ने। रोमाशाह दे लफ़ज़ ने विष्णु पुराण दा वेरवा करन वाले विल्सन नूं हैरान परेशान कर दिता सी, अते उन्हूं भुलेखा लगन लग पिया भी होरे इस तों मुराद यूनानी ने, पर उहदा इह विचार ठीक नहीं, इहदा मतलब लम्मे वालां वाले ने अते ओह जट ने। चीनी मुसन्नफ वर्धमान शाका अते जल्ट कबीलियां दा जिक्र 1197 बिक्रमी मुताबक 1139-40 ईस्वी विच करदा है। इसलिए चंद्र गोबन ने उका भुलेखा नहीं खादा जदों उन्हें एक गल लिखी भई कदी ना हराए जाण वाले जटा ने हुण कबीलियां नूं हरा दिता। यशु धर्मन अते गुप्त हाकम जट सन, अते इह ही ओह लोक सन जिन्हां ने 5वीं-6वीं सदी ईस्वी विच हुण कौम नूं हराया सी। भावें हुण भी जरा चरक के आउण वाले जट ही सन, हुण जिहड़े ने उह भी भावें जिहड़े ने मगरों जिहड़ा जत्था आया सी उह जट ही सन। उन्हां दे तूर मान ते जौल अज भी दक्षणी एशिया कबीले दी शक्ल विच मौजूद ने, अते अज उह जौहल सदांदे ने। माजमदार अते बलवेलकर नूं अपनी आखी ते मुड़ गौ करना पवेगा कि जल्ट दे लफ़ज़ नूं गुपत दे लफ़ज़ नाल बदलन दी लोड़ नहीं, असल लफ़ज़ ही ठीक है, ते उस वेले दे तारीखदान उहदा जिक्र भी करदे ने। ये पक्की थिती गल है कि जट दा लफ़ज़ जरट दी विगड़ी हुई शकल नहीं, सगों जट लफ़ज़ नूं जान बुझ के संस्कृत जबान विच जरट बदनीति दी बुनियाद ते बनाया गया। सगवां इंजी जिवें विचकारले एशिया दे गुजरां नूं गोरजर बना दिता गया,
ਅਤੇ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਰੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਉਂਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਤਨ ਬਲਖ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰੋਂ ਬਾਲਕ ਵੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤ ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆ ਬਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਰੂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਕਸ਼ੇਸਤਰ ਦੇ ਕੋਰੂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਿ ਪੁਰਾਣ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਗਨਾ ਜੀਤ ਸ਼ਾਹ ਗੰਧਾਰਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਮਲੀਚ ਯਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੰਡੀਆ ਪੁਰਾਣ ਅਸਵਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਮਲੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੱਲੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸ਼ਾਧਿਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਛੱਤਰੀ। ਪਾਣੀਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਨਪਾਥ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੂ, ਅਸਵਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਸੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੱਟ ਕਬੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੇ। ਮਨੁਸਮੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਤੀਆ ਯਾਨੀ ਘਟੀਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਮਰ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੋ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਚ ਯਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਯੋ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਲੈਨੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਬਿੰਦੂਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਮਰ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੂ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਕੁਨੰਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਵੇਲੀ ਸਨ। ਵਾਯੋ ਪੁਰਾਣ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੰਦਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਛੀਨਾ, ਤਸ਼ਾਰਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰ, ਸਿੰਧੂ, ਝੱਖੜ, ਜੱਖੜ, ਮੰਡ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹਾਰ ਹਰਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬੀਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੀਲਾ ਅਤਰੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੋਤਰ ਕਬੀਲਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰੋਂ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਇਹ ਮਲੀਚ ਸਨ। ਬਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਲੀਚ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲੀਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਈ ਮੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵੋ, ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਜ਼ਹਬ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਦਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਤਰ ਵਰਗਾ ਚੰਤਾ ਮੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰੇਸ਼ਨਾ ਇਤਰਾ ਧਰਮਿਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰੇਸ਼ਲ ਮੋਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਦੀਨ ਸਨ। ਹੋਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਜੂ ਦ੍ਰੇਸ਼ਨਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਰੇਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਹੀਨ ਭਰੇ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੋਕੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਵੀ ਪਛੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੋਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਚ ਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜਾਪਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ
देव द्योपदी अपनी किताब ओरिजन ऑफ जट्स विच द्योसमत्ता अते चंद्र गोमन दे ख्यालां बारे शक करदा है। उहदी दलील है कि जटा अपने अजीम कम्मकारां दी सांभ संभाल की कोई रवायत जटा दे विच नहीं लभदी। सवाल यह वे कि उन्हें इंज की गल लिखण तो अगदों किसी दाने प्रधाने जट नाल मेल मुलाकात भी की सी। जट लफज दे तां माणे ही इंज दे होर कबीलियां दे नावां दा मतलब बादशाह या आला वगैरह बनता है। मिसाल वजों कछवान मंड मोर दाई अतार डांज मालान ते इंज दे होर जिहड़े कबीले ने इन्हां सारिआं दे माणे इंज दे ही बनते ने। इसलिए सानू संस्कृत नूं छड्ड के पुरानी फारसी ते ठक्कर जां शाका जबाना वाल नज़र फेरनी चाहीदी है। जिस तरह दसिया गया भी लफज़ जट एडा कु करड़े सुभा का लफज़ है भी थोड़ी बहुती जेर जबर ते दी मीण मेख नाल ते बदला नाल वो एशिया ते यूरोप विच लम्मे चौड़े इलाकिया अंदर पैर पसारी खलोता है। इस ना दियाँ सूरतां चोखियां ने पर सारियां आपो विच रलदियां मिलदियां ने। मिसाल वजो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान आज़रबाईजान उज़्बेकिस्तान ते विचकारले एशिया दे दूजे इलाकियां विच ओ जट जां जाट सदांदे ने। इंज जटलैंड डेनमार्क विच वी ओ जट ही सदांदे ने। स्वीडन विच ओ गोट सदांदे ने। जर्मन विच गोटा गोथलैंड बहरा बाल्टिक विच गोथ अरब विच उन्हां नूं जट आखदे ने। लतीनी विच गीटे तुर्की ते मिस्र विच वी इन्हां नूं जट आख्या जांदा है। रोम विच इन्हां नूं गोएथ आख्या जांदा है। पलेनिनी ते पटोलमी ने इन्हां नूं जटी लिखिया। चीन वालियां ने यूची जटिया आख्या इन्हां नूं। इत्थे ये गल दसन जोगे भी कारल ग्रीन दे मुताबक चीनी लफज़ यूची दा तलफज़ गट गट टप गट टी है और जिदे मैंने मतलब ये छंद कौम दे बनते ने। चीनी लखारी दसते ने भी मगरों इस नसल की एक होर लड़ी जिदा ना चीनिया ने होंग नौ जा हवा दसिया किसी दबाव पारों यूची कबीले दखण ते लहिंदे वाले पासे नूं डेरा डंडा चुक के चले गए सन। जेड़ा धड़ा गिनती विच घट सी वो दक्षण पासे तिब्बत वल नूं टुर गए अते उन्हां नूं श्याओ यूची यानी घट गिनती वाले आख्या गया। वड्डे धड़े वालियां लहिंदे पासे नूं वधदिआं होइआं दाइआ उत्ते कब्जा कर लिया। इन्हां नूं टायोची जां कटिया कबीरिया जां अजीम जट आख्या जाण लग पिआ। पहलों दस्या जा चुकिआ भी यूची का उच्चारण गीटा बनता है। इसलिए टायोची ही वह लफज़ है जिन्हों यूनानी ते ईरानी मसा गीटे यानी अजीम जट आखते ने। सारे चीनी लिखारी इस गल ते एक मुठ ने एक मतलब इस सहमत ने भई कशान कबीलियां दा तलक यूची नसल नाल सी। चीनी लिखारी थंग ग्यान नूं सन 555 विच जो होए ने वो लिखते ने भई अपतल जां बेयथाल दा तलक यूची नसल नाल सी। इस तों अड मान तों अंगलन दा इनसाइक्लोपीडिया भी दसदा है भई यटा टायोची नसल विचों ने यानी जट जड़े ने टायोची नसल विचों ने। जिथों तक टखर तूर कांग जिन्हां नूं चीनियां ने क्यांग नू अते पुराणा विच कनका लिखिया। तो इस तरह जबाना दे या तलफज़ दे थोड़े बहुते हेर फेर दे नाल ये लफज़ पूरी दुनिया च और इन्हां इलाकियां दे च मौजूद है और इन्हां दे नावां नूं जान बुझ के जो बदलन दी और इन्हां नूं मलीच ते नापाक आखण दी कोशिश की गई जो बामन दा वतीरा रहा है वह भी तुहाडे सामने तुहाडे नाल सांझा कर दिता है। सज्जणों प्यारिओ तुहाडे नाल मिलने आ अगली वीडियो च और ये जिहड़ा सी जटां बारे वख वख जिहड़े वेले भुलेखे पाए गए और उन्हां दा जिहड़ा नतारा कीता इहदा बयान जिहड़ा इत्थे मुकिया। बहुत मेहरबानी। जिउंदे वास्ते रहो, खुश रहो, सलामत रहो।